हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह बेस्ट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस लेके आ गई हूँ। आप सभी रेडी हो जाइए क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए। यह आधारित है आज का वीडियो मोटिवेशन एंड इमोशन यानी अभिप्रेरणा और संवेग से रिलेटेड, जिसमें क्वेश्चन अवश्य आते हैं। 5-6 वीडियो यानी कि इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। 5-6 वीडियो अभिप्रेरणा पर आधारित है और इन 5-6 वीडियो देखने के बाद आपको कहीं दूसरे जगह पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इन्हीं प्रश्नों में से आ जाएगा। आप चिंता मत करिए, बस प्रैक्टिस करिए मेरे साथ हर एक टॉपिक की। दोस्तों, जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि योगः कर्मसु कौशलम्, कार्य करने की कुशलता ही योग है। और क्या है, कार्य में विलीन हो जाना ही ध्यान है। तो आप कर्म करिए, आपके कर्म जितना करेंगे फल अवश्य मिलेगा। परिणाम अच्छा ना होने का अर्थ यही रहता है कि आप दूसरे को दोष नहीं दे सकते, सिर्फ व सिर्फ आप में कमी है। तो बार बार प्रैक्टिस करने से वो सभी कमियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे ऑल स्टेट का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, अभी प्रेजेंट में आपका बीपीएससी होने वाला है जिसके लिए बहुत कम टाइम है, इसलिए आप पूरे शिद्दत से लग जाइए। एंड एमपी टेट के बाद सुपर टेट वर्क 2-3 के इंतजार में भी आप लोग हैं, जिस जो भी क्वालिफाई है। तो पहले से प्रिपरेशन करते रहिए, कोई ना कोई आपके हाथ में आ ही जाएगा। ईएमआरएस का भी होने वाला है, चाहे आप यूपी टीजीटी कर रहे हो, चाहे यूपी अल्टीग्रेड। यूपी का तो जान ही रहे हैं, अभी तक कुछ प्रक्रिया ही नहीं चल रहा है, तो आप उसको पकड़ के मत बैठिए, प्रिपरेशन करिए, हर एक एग्जाम दीजिए, किसी न किसी में आपका होगा ही। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की तकनीकी नहीं है? तो दोस्तों, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा एंड प्रतियोगिता, इस सभी के सभी प्रेरणा की प्रकृति है। इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब आए, आपको लगे कि सभी ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन दिया हो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जो अभिप्रेरणा होता है वह दो प्रकार का होता है, जिसे आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा को प्राथमिक अभिप्रेरणा, सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, जो जन्म से विद्यमान होता है, जैसे भूख, प्यास, दर्द, नींद, आराम आदि। जो बाह्य अभिप्रेरणा होता है उसे द्वितीयक अभिप्रेरणा या नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, जो जन्म से विद्यमान नहीं होता अपितु जन्म के पश्चात धीरे धीरे अपना रूप लेते हैं, जैसे कि अपनत्व की भावना, पुरस्कार, दंड, आवश्यकता एंड समाज में पहचान की आवश्यकता, ये सभी चीज़ें आपका वाह्य अभिप्रेरणा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभिकथन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि किसी भी परीक्षण कार्यक्रम की सफलता के लिए छात्रों का परीक्षणों के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये बात तो सही है, किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए जो छात्र होते हैं उनके परीक्षण के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और तर्क क्या है कि शारीरिक शिक्षक को उन सकारात्मक प्रेरक गुणों का लाभ उठाना चाहिए, बात सही है, जो सामान्यतः शारीरिक प्रदर्शन परीक्षणों में अंतर्निहित होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन तो दोनों सही है, लेकिन जो अभिकथन ए है उसका व्याख्या आर को करना चाहिए, लेकिन नहीं किया है, लेकिन जो बात बोला है वो सही है। इसलिए क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों राइट है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको देखना है कि दो नीचे दिए गए कूट में से सिद्धांतों के सही कालक्रम को चुनना है, कि कौन सा सिद्धांत कब सबसे पहले आया था, उसके अनुसार आपको चुनना है। तो इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आएगा तो भी, नहीं आएगा तो भी। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी है, एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं, यानी सबसे पहले आया आपका आक्रमण के दो कारक सिद्धांत, फिर प्रेरणा का आवश्यकता उपलब्धि सिद्धांत जिसे मैस्लो ने दिया है, फिर आया नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत, फिर लास्ट में दुश्चिंता का उत्क्रमण सिद्धांत। नेक्स्ट है दोस्तों, दुश्चिंता की स्थिति के व्यक्तिगत कारक हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुश्चिंता की स्थिति के व्यक्तिगत कारण आप देखेंगे, प्रतियोगिता
तो आपका सामूहिक कारक है, सभी लोग प्रतियोगिता में जाते हैं, व्यक्तिगत कारक हो नहीं सकता। एंड यहाँ पे कौन कौन से है व्यक्तिगत कारक, संज्ञानात्मक मूल्यांकन है, प्रत्याशा है, सामना कर सकने की शैली है, ये व्यक्तिगत कारक है दुश्चिंता के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है, 3, 4 एंड 1। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक शारीरिक क्रियात्मक सक्रियण में क्षण क्षण परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कायिक स्थिति दुश्चिंता। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा में अध्यापन और अधिगम की परिस्थितिकी क्या समझने में सहायता करती है, तो कार्य व्यवस्था के आयाम को समझने में सहायता करती है। नेक्स्ट है किसने कहा कि खेल जो है संवेगों की को स्थिरता प्रदान करने में सहायता देता है, इसमें परिभाषा भी पूछा जा रहा है, तो खेल संवेगों को स्थिरता प्रदान करने में सहायता देता है या परिभाषा दिया है स्किनर एंड हैरिसन ने। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से सहानुभूति क्या है, तो यह एक प्रकार का मूल प्रवृत्ति है, हर एक व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति है। नेक्स्ट है प्रेरणा की विधियां हैं क्या है, रुचि है, सफलता है, सामूहिक कार्य है, ये सभी चीज़ें जो है प्रेरणा की क्या है, विधियां हैं। किसी चीज़ में आपका रुचि है तो उसको करने में आप अंदर से मोटिवेट होंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, सफलता मिलेगा तो और अच्छे तरीके से करेंगे, सामूहिक कार्य मिलकर करेंगे, ठीक है। यानी कि सब प्रेरणा को प्रेरणा प्रदान करने वाले निम्नलिखित विधियां हैं, तो ये है दोस्तों, इसमें से कोई भी ऑप्शन रहेगा वो राइट रहेगा, ये देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन तो हर बार पूछेगा ही। तो प्रेरणा प्रदान करने की विधियां हैं रुचि, सफलता, स्वस्थ प्रतियोगिता, स्पष्ट एवं आकर्षक लक्ष्य, प्रोत्साहन, प्रशंसा और निंदा, पुरस्कार एवं दंड, सामूहिक कार्य, प्रगति का ज्ञान, परिणामों का ज्ञान, सामाजिक कार्यों में भाग लेना, दृश्य श्रव्य सामग्री, कक्षा का वातावरण। नेक्स्ट दोस्तों वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रेरणा। प्रेरणा यानी अंदर से जो प्रेरणा होता है उसी के कारण तो आप कोई कार्य करते हैं प्रेरित होकर के। तो प्रेरणा का अर्थ है कार्य व कोशिश करना, प्रेरणा का अर्थ क्या है, कार्य करना व कोशिश करना, न कि साधन व वापसी। आप उस कार्य से वापस आ जा रहे हैं मतलब कि आपका मोटिवेशन व कार्य करने का मन उसको है ही नहीं, रुचि है ही नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रेरणा के मुख्य स्रोत कुदरती या बनावटी हो सकते हैं। इन स्रोतों के आधार पर पीड़ा दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक पीड़ा और बाह्य पीड़ा। आंतरिक पीड़ा जो जन्मजात होते हैं, बाह्य पीड़ा जो अर्जित किए जाते हैं समाज द्वारा। यानी कि आंतरिक पीड़ा जिससे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन कि इसका अर्थ प्राकृतिक या प्रदत्त पीड़ा है, यानी प्रदान किया हुआ पीड़ा है, या अंदर की तीव्र उत्कंठा है, एक अंतर्मन की प्यास या प्रदत्त शौक है जिसे मजबूर होकर एथलीट गतिविधि शुरू करता है और बरकरार रखता है, जिसके अंतर्गत आपका भूख, प्यास, दर्द, मुक्ति, नींद, आराम आता है। एंड जो वह प्रेरणा है, एथलीट बाहरी खिंचाव या आकर्षण बल या इनाम आदि के कारण कोई गतिविधि शुरू करता है तो उसे वह प्रेरणा कहते हैं, जैसे कि पुरस्कार, इनाम, सामाजिक सम्मान, रुतबा, नौकरी, ट्रॉफी तथा ट्रैक सूट, ये सभी चीज़ें क्या हैं, बाह्य रूप से प्रेरित करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, थार्नडाइक। जबकि रिस्पॉन्स स्टिमुलस पूछेगा आरएस थ्योरी तो उस स्किनर हो जाएगा, एसआर थ्योरी, थार्नडाइक। नेक्स्ट है खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन यानी चिंता का कारण क्या है, तो दोस्तों जब खिलाड़ी आकांक्षा और योग्यता के स्तर के बीच तालमेल न बैठा पाता है तो उसकी चिंता का कारण हो जाता है। यानी कि जो मनोविज्ञान के संदर्भ में हताशा, निराशा या फ्रस्ट्रेशन एक प्रकार एक प्रमुख भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो व्यक्ति की इच्छाओं के अपूर्ण होने के प्रत्यक्षीकृत प्रतिरोध के कारण पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सा है, तो खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि है ऊर्ध्वपातन। क्या है, ऊर्ध्वपातन। बालक के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास में संवेग यानी इमोशन का विशेष महत्व है।
संवेगों के प्रशिक्षण में ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों पहलू सम्मिलित होते हैं। खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित विधियां हैं, कौन कौन से? ऊर्ध्वपातन या शोधन, जिसे सब्लिमेशन कहते हैं, रेचन यानी कैथर्सिस, अध्यवसन यानी कि इंडस्टीनेस, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणा कैसे पैदा की जाती है। तो दोस्तों सबसे बेस्ट यहाँ पे आंसर होगा कौशल को देखकर, किसी चीज़ को देखकर हम जल्दी जल्दी से प्रेरित हो जाते हैं। जैसे कि एलिस क्रो के अनुसार अभिप्रेरकों को ऐसी आंतरिक दशाएं या शक्तियां माना जा सकता है जो व्यक्ति को निश्चित लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती है। छात्र किसी कौशल को देखकर जल्द प्रेरित होता है और उस कौशल को सीखने का प्रयास करता है। कौशल को देखने से छात्र के अंदर प्रेरक शक्ति का प्रवाह होने लगता है, जिससे छात्र में क्रियाशीलता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जन्मजात प्रेरक नहीं है, इसमें से कौन है जो जन्मजात नहीं है? तो भूख तो जन्मजात से लगती है, आपके कोई कंट्रोल नहीं है। प्यास, नींद, ये सभी जन्मजात हैं, जबकि आदत जो है वो बाह्य प्रेरणा है, जन्मजात नहीं है। तो जन्मजात प्रेरक जिन्हें शारीरिक या जैविक प्रेरक भी कहते हैं, या भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा, काम आदि होता है, जबकि अर्जित प्रेरक जिसे बाह्य प्रेरक कहते हैं, इसे व्यक्ति सीख कर प्राप्त करता है, जैसे आदत, रुचि और सामाजिकता आदि। नेक्स्ट है, प्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, या दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा को सकारात्मक प्रेरणा या प्राथमिक प्रेरणा भी कहते हैं, और बाह्य प्रेरणा को नकारात्मक प्रेरणा और सेकेंडरी प्रेरणा भी कहते हैं। जैसे कि प्रेरणा शब्द जो है वो मोवियर से लिया गया है, ठीक है। प्रेरणा शब्द लैटिन शब्द है जो मोवियर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बदलना या चलना। प्रेरणा एक भावनात्मक सोच है जो मानवीय व्यवहार के पीछे जटिल प्रक्रिया की परिभाषा देती है। यह महसूस नहीं की जा सकती, बल्कि इससे आने वाले परिणाम देखे जा सकते हैं, नापे जा सकते हैं, रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और लेबल किए जा सकते हैं। प्रेरणा का अर्थ है कार्य व कोशिश करना, न कि केवल साधन या वापसी। अतः कह सकते हैं कि प्रेरणा के मुख्य स्रोत कुदरती या बनावटी हो सकते हैं। इन स्रोतों के आधार पर दो भागों में प्रेरणा है, आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, आंतरिक प्रेरणा में आपका जो जन्मजात होता है, जिसमें कि भूख, प्यास, दर्द, मुक्ति, नींद, आराम होता है, जबकि बाह्य प्रेरणा में बाहरी रूप से आकर्षण होता है, जैसे कि पुरस्कार, इनाम, सामाजिक सम्मान, रुतबा, नौकरी, ट्रॉफी, ट्रैक सूट आदि। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन अभिप्रेरणा के सिद्धांत की जीव वैज्ञानिक अधिगम है? तो वो है दोस्तों उद्गार का सिद्धांत। क्या है? उद्गार का सिद्धांत, यानी इंग्लिश में इसे कहेंगे इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी। उद्गार का सहज प्रवृत्ति जिसे कहते हैं, ये जन्मजात होता है, जैविक होता है, यानी किसी भी दोहराए जाने वाले व्यवहार को इंस्टिंक्ट उद्गार या सहज प्रवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। मनोविश्लेषकों का कहना है कि इंस्टिंक्ट यानी सहज प्रवृत्ति मानवीय प्रेरक शक्तियों जैसे सेक्स, आक्रामकता को संदर्भित करती है। जैसे प्रवृत्तियां सहज तथा जैविक रूप से उत्प्रेरित व्यवहार होते हैं, जिन्हें आसानी से सीखा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, सभी मनोवैज्ञानिकों का लगभग मत है कि खेल प्रेरणा होता है। तो खेल जो है दोस्तों एक सांस्कृतिक प्रेरणा है, मतलब जो जन्मजात है, जो जन्म से चली आ रही है, तो ये एक संस्कृति की पूर्वीय स्थिति है। क्या है? संस्कृति की पूर्वीय स्थिति है खेल प्रेरणा। क्या है? संस्कृति की पूर्वीय स्थिति है खेल प्रेरणा। यानी कि दोस्तों खेल जो है एक आत्म प्रेरित जन्मजात व स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसे रोक नहीं सकते हैं। बच्चा देखते हैं कि जन्म से ही उसको खिलौना आप देते हैं, वो स्थिर रहना पसंद नहीं करता, कुछ ना कुछ खेलना कूदना क्रिया प्रतिक्रिया करना ही पसंद करता है। अतीत ही हमारे खेल की कुंजी है। प्रत्येक व्यक्ति ने खेलों को पैतृक दाय के रूप में प्राप्त किया है। खेल प्रेरणा संस्कृति की पूर्वीय स्थिति है। तनाव के कारण भंग इनमें सामान्य है। तो तनाव यानी कि जो ओवरयूज इंजरी है, एक प्रकार का तनाव, ये नृत्य करने वाले और व्यायामी में ज्यादा होता है। यानी कि ये बार बार यदि आवश्यकता से अधिक हो जाए तो अति सवृत्त बढ़ जाते, अतः हमेशा बुरा होता है। तो यह ओवर यूज इंजरी है, जिसमें पेशियों में थकावट आ जाता है
और वे शॉक को सहन नहीं कर पाती तथा ओवरलोड हड्डियों पर चला जाता है जिससे स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, समानता यह बास्केटबॉल, टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड, कसरती और नृत्य आदि करने वाले को होता है। तनाव यानी कि स्ट्रेस जो होता है वो से संबंधित यह सभी स्थितियां हैं सिवाय किसके, तो तनाव यहाँ पे खिंचाव की बात हो रहा है, तो यहाँ ओवर इंजरी है एक प्रकार का तनाव, इससे संबंधित स्थितियाँ क्या हैं, तो यहाँ पे तनाव यानी कि चिंता की बात हो रही है। तनाव से हम उच्च रक्तचाप यानी डिप्रेशन से आपको उच्च रक्तचाप हो जाता है, पाचन अल्सर हो जाता है, दिमागी रोग हो जाता है, बस रक्त छिड़ता नहीं होता क्योंकि यह हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाती है रक्त में, तो रक्त की कमी हो जाती है। जैसे कि तनाव एक ऐसी दशा है जो व्यक्ति के सामान्य शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बाधित करती है जिससे व्यक्ति को उच्च रक्तचाप, दिमागी बुखार, पाचक अल्सर आदि रोग होते हैं, जबकि रक्त छिड़ता यानी कि रक्त की कमी लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले रुधिर कणिका हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों में किस प्रकार की पीड़ा काम नहीं करती, तो दोस्तों छोटे बच्चों में आंतरिक पीड़ा काम नहीं करती, वो उसमें बाह्य पीड़ा काम करती है। बच्चे जो है किसी चीज़ को देख कर आकर्षित होते हैं, ठीक है, इसे आंतरिक पीड़ा को सकारात्मक पीड़ा भी कहते हैं, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोभावों को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, कैसे, मनोभाव यानी कि जो संवेग इमोशन होते हैं वो प्राणी का आंतरिक अनुभव है जिसमें उसकी मानसिक स्थिति का एक उथल पुथल के रूप में व्यक्त होता है, इस प्रकार यह विचलित से संबंधित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों में निराशा यानी फ्रस्ट्रेशन की भावना का कारण क्या है, दोस्तों तो वह है सामान्य आकांक्षा और क्षमता के स्तरों में अंतर न कर पाना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि खेल प्रतिस्पर्धा में निम्न प्रदर्शन का क्या कारण है, तो वह होता है एंजाइटी यानी चिंता। ये मध्यम आपका सही होता है, किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं ठीक है, लेकिन अत्यधिक चिंता, अत्यधिक सोचना वो आपके निम्न प्रदर्शन का कारण बन सकता है। चिंता यानी एंजाइटी एक दीर्घकालिक डर होता है जो सामान्य कार्य को करने की हमारी योग्यता को सीमित करता है। चिंता के कारण खिलाड़ी खेल स्पर्धा में निम्न प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एकाग्रता यह इसका सबसे करीबी रास्ता है, क्या है, ध्यान। ध्यान क्या है, कार्य में विलीन हो जाना ही ध्यान है, यानी आपके अंदर अगर द्वंद्व चल रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो वो आप कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ध्यान पूर्वक करेंगे एकाग्र पूर्वक, तो एकाग्रता और ध्यान एक ही शब्द है, समानार्थी शब्द कह सकते हैं, तो एकाग्रता यह इसका सबसे करीबी रास्ता क्या है, ध्यान। ध्यान यानी कि ध्यान मस्तिष्क की पूर्ण स्थिरता की एक प्रक्रिया है, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता ही ध्यान कहलाती है। निम्न में से कौन सी एक अंतरस्थ पीड़ा है, आंतरिक पीड़ा है, कौन है दोस्तों, खेल है, तरक्की है, पुनर्निवेशन, ये सभी बाह्य पीड़ा है, जबकि आंतरिक पीड़ा क्या है, खेल में दिलचस्पी, खेल में रुचि। अंतरस्थ आंतरिक पीड़ा के कारण व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी कार्य को करता है, इससे उसे प्रसन्नता, सुख एवं संतोष मिलता है, इसे सकारात्मक पीड़ा, पॉजिटिव मोटिवेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रेरणा के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जीव विज्ञान संबंधी अभिमुखता रखता है, तो वह होता है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी, जिसे सहज क्रिया भी कहते हैं, जिसको सिद्धांत को दिया था मैकडूगल ने, यानी कि सांसारिक उद्दीपनों के टक्कर खाकर सजीव प्राणी ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कई प्रकार की मूल प्रवृत्ति प्रतिक्रियाएं करता है। जैसे कि हर एक प्राणी की, हर एक प्रजाति की एक मूल प्रवृत्ति होता है, जैसे कि पशुओं की मूल प्रवृत्ति ये होता है कि जन्म लेते ही चलने उछलने कूदने लगते हैं, जबकि पशु मानव की मूल प्रवृत्ति होता है कि बच्चा उत्पन्न होते ही रोता है या एक साल लग जाता है उसको खड़े होने में, तो ये सभी मूल प्रवृत्ति हैं। जैसे एक बछड़ा एक घंटे में ही खड़ा होना, चलना, कूदना, फादना, चढ़ना, दौड़ना सीख जाता है, और मनुष्य में मूल प्रवृत्ति है खाना, पीना, सोना आदि मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत, इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया जाता है, तो आपको पता है मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया,
फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, फिर अब इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो अब इसे क्या कहा जाता है, आचरण और मानसिक प्रक्रिया का विज्ञान। यानी कि हिलगार्ड के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव मनोविज्ञान क्या है। मानव मनोविज्ञान के अध्ययन तक सीमित होता है। तो मानव मनोविज्ञान के अंतर्गत आचरण और मनोवृत्ति, ए और टू दोनों ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। मानव मनोविज्ञान के अंतर्गत आचरण और मनोवृत्ति तक सीमित होता है। इस बात को कहे हैं हिलगार्ड के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। बार बार ये परिभाषा आ रहा है, ऐसा न हो कि आपके एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट, किस किस्म का अभिपीड़ा युवा बच्चों के लिए अनुभव गम्य नहीं होता। तो आंतरिक अभिपीड़ा नहीं होता है। युवा बच्चा जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो बाहरी चीज़ों पर आकर्षित हो जाता है, इसलिए वो आंतरिक अभिपीड़ा को अनुभव गम्य नहीं होता उसके लिए। जबकि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वही करता है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। आंतरिक अभिपीड़ा का अर्थ प्रकृति प्रदत्त पीड़ा है, जिसे प्राथमिक पीड़ा या आंतरिक पीड़ा या सकारात्मक पीड़ा कहते हैं, जो अंदर की तुल उत्कंठा होती है, अंतर्मन की प्यास होती है, प्रदत्त शौक होता है जिसे एथलीट गतिविधि शुरू करता है और बरकरार रखता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका भूख, प्यास, नींद, आराम, एंड रुचि, आत्मविश्वास आदि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन अभिकथन से रिलेटेड। अभिकथन ये है कि खेल कूद में सहभागिता केंद्रित अभिप्रेरणा के स्रोत व्यक्तिगत स्व प्रवृत्तियों की जांच के लिए है। इनका उच्च अभिप्रेरणात्मक अवस्था से संबंध है। ये बात सही है। तर्क आ रहा है कि अभिप्रेरणा के लिए उच्च योग्यता वाले व्यक्ति इस अभिप्रेरणात्मक योग्यता को तब तक प्रदर्शित नहीं करेंगे जब तक कि परिस्थिति या वातावरण इसके लिए अनुकूल न हो। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट है और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अपने ग्रुपों, अपने दोस्तों, सोशल मीडिया पे, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक भी मेरा वीडियो पहुँच सके। और दोस्तों जैसे कि आप लोगों के लिए मैं मेहनत करती हूँ, तो आप मेरे लिए इतना कर ही सकते हैं। एंड डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।